स्वागत नहीं करोगे हमारा? थाली ला यार, हाय 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 हाय, दूध को ठीक है बढ़ा तो लिए इनसे पहले आ लिया मैं, क्योंकि अब मेरे को अच्छा खून देख का है। ओ बेटे चक्कर ना आए तो एन चक्कर तो करना है, खून देख आयो एम ही तनो खून तो तनो दिया आयो भाई भी देख। ओ थैंक यू भाई, जल्दी आ जा फिर मैंने लैब खाते जाना है। सो गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई कल व्लॉग ना पाया उसके लिए भाई मैं तहे दिल से माफी चाहूँ, सॉरी भाई यार गलती मेरी ना थी। मैं व्लॉग एडिट करने लगा तो एडिट करते करते ना की हुए भाई एकदम तय फोन हो कर बंद ना, और वो ग्रीन ग्रीन से लाइट आई, मैं दरवाजा खोलता हूँ, डट जा भाई यार, डट जा डट जा यार। तो भाई ग्रीन ग्रीन से लाइट आ गई और ना ब्रो किक हो, और फोन भी स्विच ऑफ हो गया। आई एम सॉरी मम्मी, मैं फोन झूठ ना बोलूँ सच्ची में ही बात हुई थी। तो भाई यार वजह तो मैं करना पाया, मैं रात में फिर हाथ तो हाथ सिद्ध हो गए कैसी फाई में, मैं आज तो नुकसान हो जाएगा व्लॉग ना जा पाऊंगा, क्योंकि फ़ोन आ रहा तो शायद शुभम को फ़ोन आ रहा, तो फ़ोन दिख रो कि हाँ फ़ोन आ रहा है, पर नू ना भेरो कि हाँ मतलब किसको आ रहा है के हो के ना, बस नू ला रो कि हाँ फ़ोन आ रहा है, तो बोल जाओ मेरे फ़ोन सुबू करके कुछ ऐसा तो बोल दो, जब मेरे पार्टों को शुभम को फ़ोन है फिर मम्मी को फ़ोन को मेरे पार्टों को आ रहा तो नुकसान होगा, इसको संभाल कुछ काम नहीं आया भाई। तो भाई यार बस फिर मैं कैसी फाई गए तो बंद होगा, तो मैं क्या करूँ, अब तो रात इंतजार करनी पड़ेगी। और मैं मेरा कहते दिमाग है ना कि मैं परवेज का फ़ोन तो फ़ोन कर सकूँ, घर का तो बता दो कि हाँ जो मैं नार पक के ही फ़ोन करा घर का, और मम्मी भी यार परेशान हो गई थी, सॉरी मम्मी सॉरी सच्ची में सॉरी। तो फिर सुबह पहली गए, इन सब तक पहली गए उठा भी ना, तो उससे पहले तो मैं उठ के चलो गए, तो सीधे पहले तो कैसी फाई गए, कैसी फाई खुलो ना, तो पर जब वो भाई रहा अगर चौकीदार उससे थोड़ी जान पहचान था तो उससे दिया मैं भाई ठीक करवाती प्लीज़। फिर उस लैब दी, एक लैब देख कर फिर कैसी फाई गए, कैसी फाई वाला फोन है भाई, यो फ़ोन ठीक ना हो जो अंदर तक कुछ हार्डवेयर के तो भाई वो प्रॉब्लम आ गई, मैं तो भाई कुछ तो करो, तो वो नोबल ठीक है भाई, उसने भाई दूसरा फ़ोन दियो, सारा डाटा ट्रांसफ़र करो, फिर उसके बाद आयो, फिर कॉलेज गए, फिर वे लगो कि मैडम ना आए, मैडम शाम ना आओगी तो शाम ना लैब लगेगी, तो भाई यहाँ आगो मैं कह कि मैं खा तो लूँ कम से कम भाई जाए खाने, और बस कुछ इस प्रकार की भाई कहानी थी। सॉरी भाई दोबारा बोल रहा हूँ, कल व्लॉग ना आ पाओ, उसकी क्लिप भी ना है क्योंकि नंबर तो ये था जी मेल कर देता तो जब आ गई, और कुछ वैसा नंबर था, और एक आधी क्लिप है कि जो कटोरा का आएगा फ़ोन में वे अगर का होगा तो मैं डाल दूँगा, अच्छी लगी तो मैं तो देख ही जाओगे। तो चलो भाई मैं कुछ खाऊँ उसके बाद में भाई, खाना आ चुका है बिरयानी, और बिरयानी खाने वाला खाना की मशीन स्टार्ट हो गई, मैं अपने ईंधन खेत लूँ, चलो खाते हैं। फाइनली भाई हो चुका है अपना खाना पीना कंप्लीट, और अब चलते हैं अपने कोचिंग पे। मैं यार भाई तो आ लिया आगे, और पीछे परवेश भाई आ रहा है, मैं तीन बैग लेके चले, तबड़ तो यही कि एक ही बैग में तीनों चीज़ रख लेवा, तो वो बुबू के लिए कहा रहे हैं हमारी लेबर पीछे आ रही है हमारी लेबर पीछे आ रही है भाई, सुबह है ना मैंने बैग लिया तो इसलिए शाम में बोले वो कर हमारी ऐसे डील हो रही है। तो चलो चलते सीधा कोचिंग में, और कोचिंग का ख़त्म होने के बाद ही फिर हम मेरा देखा भी ना रहन दे, तू के बताओ कित है अगर मैं भूखा मर रख तो। थैंक यू भाई, शुभम शुभम पीवे की चॉकलेट ले रही है ना, दे चॉकलेट यो पियो तो पिल्ले, ओके बाय जा बाय, ओके बाय, क्लास ओवर और 10 मिनट तक अभी अक्षय भाई और एकदम टकरा गो अक्षय तो हमने मिली और भाई तो दे रही है, और तू ता कम बैठो मेरे बटो, कोई लड़की मिली उसको चॉकलेट दे दी, सीधी बात नो भगवान से ना। बहुत
काम मत लगाओ, पहले भाई की बात मत कर, यहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक ये यहाँ तक जो खम्बो है ना वहाँ तक, और वहाँ कहते कह रो यार अच्छा ना लगेगा जब परवेज देखा खुद की हो भाई ब्रो कोड इज फर्स्ट, ये लाइन सारी मेरी थी सारी लाइन मेरी थी भाई, क्योंकि मैंने बेर हुए ऐसा तो कि मैं कहा ना कहे मैंने पीछे तो बहुत मार तो और चॉकलेट टूट गई यार भाई मत कर अक्सर बड़ी प्याज तो दिया रहने यार रहने दे अक्सर डेलते चॉकलेट कैसे खराब करो मार भी सड़क अगले पर मिलते यार छोरी छेरी छेरी छोरी इतना रे भाई खुद खाऊंगा छोरी भाई बाढ़ में ठीक से। हेलो मेरे मम्मी भी देखे हैं लोगों ने, आंटी जी नमस्ते, मम्मी जी देखियो आंटी जी नमस्ते, मैं नंबर देऊंगा मैं इसका, सही लड़का हूं मैं, नेक्स्ट टाइम इसका नंबर डाल दूंगा, अभी मैं सिंगल हूं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे घर वाले लड़की की तलाश कर रहे हैं, हां तो फिर मैं ढूंढवाऊंगा, मेरे लोग थोड़ी थोड़ी क्या हुई मम्मी सुना दिए भेज सकते हैं, वैसे मैंने कोई दिक्कत को नहीं ना परवेश की मैं खाऊंगा आराम को हट तू चला भाई चला, सारा मूड खराब कर दियो, तौबा 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 सारा मूड खराब कर दिया, पर भाई आ दो यार एक मिनट कर यार, चल तू चॉकलेट दे मैं दे दूंगा, एक चीज दे यार तू पीछे ना पहले मैं आऊंगा, तीन दो जामू भाई हैप्पी बर्थडे भाई, परेश भाई यार हल कर तेरी कसम क्यों ले भाई, परेश भाई का 22 आदि तरफ प्यार कर रहा भाई, वो ले बैठ बटरस्कॉच लेकर तू भाई की है बटरस्कॉच छान ले बड़ा भाई आज डालने की लगी है भाई है तो अपने जान चप्पल काट जूता काट चलो भाई को प्रपोज कर रहे भैया कैसा लग रहा आपको, बढ़िया इतनी इज्जत दे यार, हमारे आगे ना एक रूममेट थे वो अपने आपस में गाड़ी बकरे, मैं यार ऐसा क्यों हो रहा है गाड़ी क्यों बकरा है प्यार करते हैं डार्लिंग से जान यार लेके आते हैं परदेश भाई, आई लव यू यार भाई, प्लान बन गया सेक्टर 38 जाने का जहाँ पे चौकी भाई और यश भाई है अपना सेकंड ब्लॉगर, तो चलते हैं वहाँ पे, कैब है तैयार और लोक लुक लगा लिया, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हो गया, चलो थैंक यू भाई मैं प्रैक्टिकल बनवाने के लिए यार, इसकी राइटिंग बहुत सेक्सी है सच्ची में, मतलब इतनी सेक्सी है कि मेरे मैडम ने समझना होगी प्रैक्टिकल इससे बनवा ली, तो अब चलते हैं भाई 38 जा रहे ना, हाँ सेक्टर 38 चलो तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा उसमें काट लेना ठीक है भाई, विशाल बहुत अच्छा लड़का है, थैंक यू भाई, 500 रुपए जल्दी जल्दी 500 ये 500 चप्पल के जल्दी दे 1000 रुपए हो भाई साहब, तो बैठे बैठे नुकसान हो गया भाई, तो 1000 का विशाल जैसा कोई बंदा ही नहीं है लाइफ में, मैंने आज तक अपनी लाइफ में विशाल जैसा बंदा नहीं देखा, ओवर एक्टिंग का 150 रुपए काट इसका, चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह भाई, फिर भी 350 रुपए दे दी भाई, तो भाई तो 1350 रुपए होगा और इसके ब्लॉग हाय हाय मजे आ गए मुझे, जब तक मैं इसके ब्लॉग नहीं देखूं रात को नींद नहीं आती सच्ची में, 20 रुपए कटेगा झूठ बोलना भाई सारे कटेगा, जीरो जीरो फाइनली भाई सब्जी हमने काट के दिन कर लिए है और अब आते थोड़ी सब्जी क्योंकि खुद बनाना पड़ रहा है, आज तक पहले ना सब्जी काट के आनी भी थोड़ी बहुत अजीब सा लगा, तो आज मन्नर गुल्ल भाई ने पहले सब्जी काटी है, सो फाइनली भाई करते इस ब्लॉग को एंड, सब्जी काट के आयो तो भाई यार बनाने लग रहे हैं, तो मैं चल डिस्टर्ब ना करूं तो मैं आ गया ऊपर थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि यार भाई गांव में तो ताज़ी हवा मिल जाओगा थी, यहाँ सर ताज़ी हवा ना मिले भाई, तो मैं थोड़ा छठ पर घूम रहा था, तो भाई करते इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो इसे शेयर भी कर देना, और गुड नाइट बाय बाय love you.